असलम एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडीज़ टूडे आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है लाइक इट इज़ इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द लास्ट टॉपिक जो है मेलेट लेट शटल और ये भी बेसिकली हमारे पास जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो है मूव मूव ऑन करूँ काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोज़ अब मेलेट स्पार्ट शटल में भी जो है आ, मतलब थोड़ा वैसा ही मैकेनिज़्म है जैसे हमने ग्लिसरोल थ्री फॉस्फेट शटल का पढ़ा था लेकिन इसमें ए की प्रोडक्शन जो ए की प्रोडक्शन जो है वो थ्री ए की प्रोडक्शन होगी ठीक है उसमें हमारे पास दो ए की प्रोडक्शन हुई थी और इसमें थ्री ए की प्रोडक्शन होगी बेसिकली यहाँ पर जो ऑग्जैलो एसीटेट है ये भी इम्परमीएबल होता है टू इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेमब्रेन और जो आपके पास एन है ये भी इन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमीएबल है ये इसके बारे में तो जैसे मैंने पहले भी बताया तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो ऑग्जैलो एसीटेट है ये क्या करता है एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव से दो हाइड्रोजन आइन्स एक्सेप्ट करता है ठीक है ये इसको दो हाइड्रोजन आइन्स जो है डोनेट करता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू ये ऑक्जाइलो जब दो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजीनियज और ये भी साइटोसोल में ही हो रहा है क्योंकि हमने साइटोसोलिक एनडीएच को यूज़ करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए तो बेसिकली और अगर मैं मेंशन करूं तो ये ऑक्जाइलो और मेलेट की कन्वर्जन जो है ना वो आगे आप आ, जो है ग्लूकोनियोजेनेस uh, uh, जो हमारा होता है ना वो उसमें भी जो है वो ये चीज़ यूज़ होगी तो ये आपको जो है ये उधर भी मदद देगी तो बेसिकली ये जब मैलेट में कन्वर्जन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजिनेस तो ये मेलेट अब जो है आसानी से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर सकता है ठीक है और फिर आगे जाकर ये एटीपी की प्रोडक्शन भी करवाएगा यहाँ पर जब मैलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल में को क्रॉस करके आ जाता है किसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अब क्या करता है कि एनर को डोनेट करता है दोबारा दो हाइड्रोजन आइंस आप इस तरह कह लें कि जो पहले जो है हाइड्रोजन आइन्स और जैलो को डोनेट किए होते हैं जिसकी वजह से मैलेट बना होता है मैलेट उनको दोबारा जो है वो डोनेट कर देता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आके किसको NAD को को ठीक है और खुद कर, और फिर कन्वर्ट हो जाता है दोबारा ऑगजैलो एसीटेट में सिर्फ हमें पास करना है ना मतलब मेम्ब्रेन को पास करना है वो दोबारा जो है माइट्रोकॉन्ड्रल मैट्रिक्स में आके रीकन्वर्जन हो जाती है मेलेट की ओक्लो एसीटेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेस ठीक है क्योंकि मैलेट डोनेट करता है एन को हाइड्रोजन आइंस तो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है एन प्लस एच पॉजिटिव में और जैसे वहाँ पर जो है मैंने बताया था कि एफ ए डी एच टू रिस्पॉन्सिबल होता है टू ए की प्रोडक्शन में तो बेसिकली जो एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव है ये आपके पास एन ए डी एच जो है वो थ्री ए की प्रोडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होता है ठीक है तो आपके पास इसका मतलब है कि मेलेड स्पार्ट शटल से साइटोसोलिक एन से ठीक है साइटोसोलिक एन से आपके पास थ्री ए की प्रोडक्शन होती है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके दोबारा एन की प्रोडक्शन हो गई ना तो ये थ्री एटी प्रोड्यूस करेगा और जो आपके पास था थ्री एट शटल वो आपके पास टू ए की प्रोडक्शन करता है ठीक है बेसिकली ये जो पूरी चीज़ है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी तो इसके रिलेटेड जो आगे जो है रिएक्शन या आगे डिफरेंट जो पाथवेज चलते हैं ये उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है ठीक है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखते भी रहेंगे ठीक है